सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खतोला में मैं भी शिक्षक के रूप में यहाँ 77 से 85 तक 8 साल, कितने साल बेटा, 8 साल, सन 77 आपके पिताजी में हमारे पढ़े हुए सारे स्टूडेंट हैं, 77 से 85। और उसके बाद जब मैं विभाग में आ गया तो 87 से 91 तक, आज से लगभग 29 साल पहले भी यहाँ मैं रहा था, तो कुल 12 साल मेरा कार्यकाल यहाँ रहा था। और हम जब यहाँ 77 में आए तो केवल एक कमरा था, जिसके गवाह हमारे भागचंद जी हैं, केवल इस यहाँ एक कमरा था, और बाकी यहाँ हमने एक बहुत बड़ी 35 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी यहाँ पाल से इमलियों की डालियाँ काट काट के उसको, जिसे अपनी भाषा में टाप कहते हैं, झोपड़ी बनाई, जिसमें हम अव्यक्त कई पहली और दूसरी शामिल चलती थी, और पोषाहार का कार्यक्रम और प्रार्थना सभा सारा उसमें संचालित करते थे, और बिजली विभाग के टूटे पोल और तारों से हमने बेलों का एक गलियारा, यहाँ मेन गेट से लेकर एक गलियारा और उसमें बेले, उनकी छाया में हम पढ़ाते थे, और यहाँ एक वृक्षावली थी उसकी छाया में हम पढ़ाते थे। और फिर इक्रियासी के आसपास की बात हो गई, 80 इंडिया इक्रियासी में, तो हैंड अकाल की वजह से हैंडपम्प अभियान चला, तो खातोला एक ऐसा गांव है जहाँ एक ही मशीन से 4 हैंडपम्प खुदे, हमारे गिरधर लाल जी व्यास MP थे, पर उनके बदनौर गांव में केवल एक हैंडपम्प खुदा और हमारे यहाँ 4 हैंडपम्प खुले, ये आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ बिजली कनेक्शन की कोई बात आई तो धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, एक ही 13 गांव में हमने बिजली के कनेक्शन करवाए, और 84 में ये मिडिल स्कूल बन गया, और मिडिल स्कूल बना जब हमारे विधायक नानू राम जी विधायक थे, और उस वक्त ही हमारे राजेंद्र जी ये सब यहाँ पोस्टेज हुए थे, हीरा लाल जी, जेठमल जी, तो उस वक्त के विधायक पर हमने हमारे गांव वालों से इतने जीवंत संपर्क थे कि हमने बिना किसी राजनीतिक के भी इसको स्कूल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करा लिया, क्योंकि शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी मेरे पे बहुत मेहरबान थे, यूँ मान लें आप, तो और जबकि उससे पहले भोजपुरा 25 साल पुरानी स्कूलें थी, पर वहाँ 1+4 का स्टाफ था, पर खातोला एक ऐसा स्कूल था जहाँ 1+7 का स्टाफ था, आपको याद रह गई। और ये और हमेशा हमेशा रूरल के बच्चे अर्बन में पढ़ने जाते हैं, आज तक यही है, पहले भी यही था, पर हम जब यहाँ खातोला थे तो इनके मोहल्ले से लगभग 100 बच्चे खातोला आसीन से खातोला आते थे, ये आपको ध्यान रहे सर, कम से कम 100 बच्चे आसीन से यहाँ पढ़ने आते थे, गोविंदपुरा के आते थे, सुलवाड़ा के आते थे, दूधियार, ये तो चलो फीडिंग एरिया था, पर आसीन से भी बच्चे आते थे, मोहल्ले के 15 बच्चे, हाँ मोहल्ले। और ये एक सजनाबाद नाम से, ये गुलापरा के पास एक गांव है सजनाबाद, उसके नाम से इसको फेमस था, प्रसिद्ध था, अजय बेटा बहुत इस स्कूल से मेरा बहुत जुड़ाव था। उसके बाद हमने इस गांव को, हमारे एक भाटी साहब थे BDO साहब, 90-91 में इस गांव को टीकाकरण में हमने गोद लिया, हाँ मतलब टीकाकरण के लिए हमने इस गांव को गोद लिया था, और हमारे इतने से बच्चे, कोई भी उस वक्त टीकाकरण एक सरकारी, जब सफेद गाड़ी आती थी तो खंडवा की जो मशीन गाड़ी देख लेता तो स्कूल का छोरा भाग जाता, कहाँ का डर था क्या उस बारो गपड़ का कहरी है, तो सब डरते थे, पर खातोला का ऐसा बच्चा, सबसे पहले क्यों, पहले मेरे वैक्सीनेशन करो, टीके लगाने में इतने, और हमने 100% सफलता प्राप्त की। जिला परिषद के गताला साहब थे CO, जो कलेक्टर थे, और बाद में चित्तौड़ के भी, वो उन्होंने यहाँ इस स्कूल में रात्रि प्रोग्राम हुआ, और फिर इतने प्रसन्न हुए कि पूरे राज्य में और यहाँ तक MP की टीम भी हमारे यहाँ उसका अवलोकन करने आई। टीकाकरण में हमने 100% बच्चे को, और बहादुरी में भी वे हमारे बच्चे बहुत वो मैनर वाले थे, इन छतों पे से नीचे कूदना, स्कूटर अपने सीने पे बिना पार्टी के छोटे बच्चे निकाल लेते थे, बहुत ऐसे एडवेंचर वाले प्रोग्राम भी जो अभी स्काउट में किए जाते हैं, अभी मैंने वहाँ पालिके वहाँ गया था तो एडवेंचर प्रोग्राम वहाँ देखा था, मैं रिटायर हो गया तो अभी देखने का शौक है, तो वहाँ में क्या नाम था वो, अंतरराष्ट्रीय जगह का नाम था ना पालिके एंड में, जो माउंट आबू, रोहट, रोहट में भी देखने गया, मुझे शौक था
तो वाकई में वहाँ एडवेंचर के प्रोग्राम देखे तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया कि हमारे हमने इन छोटे छोटे बच्चों को भी इतना ट्रेंड किया कि इस छत से नीचे कूद जाते थे खेल का मैदान।